एक मिनट गोविंदा, हाँ वन सेकंड, क्या है तो कुछ तो होगा ना उसका सर, कुछ कैंडिडेट कैंडिडेट मतलब हाँ बस बस यही सब चाहिए था। आपको मैं बोला पिक्चर देखना है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट वेट, ऐसा कैसे लगा रहा है बिल्कुल। अभी पल्टन का प्रमोशन चल रहा है और बहुत इंटरव्यूज चल रहे हैं बैक टू बैक, और सैटरडे नाइट है तो देबिना का प्लान था कि कहीं इनको लेके जाऊं, तो अगर जब बीवी बोल देती है तो वो ज़रूर करना पड़ता है। बहुत कम टाइम दे पा रहे हैं लगता है ये। नो एक्चुअली अभी थोड़ा बिजी है, बट फिर भी हम लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। नहीं ज़बरदस्ती इनका बोलना होता है, चलना ही पड़ेगा तो जाना पड़ता है, क्या करें। हाँ इसलिए कैदी प्रिंट पहना है। हाँ देखो मैं कैदी बन गया, मैं तो कैदी हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों पहना है कैदी प्रिंट, बोला मैं कैदी हूँ तो बोल के पहन के आया। बीवी के सामने हम सभी कैदी हैं। टू मच वेल, हम सभी जेपी सर के बहुत बड़े फैन हैं, मैं तो उनका बहुत बड़ा पंखा हूँ, और क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड रहा है और आर्मी स्कूल में पढ़ाई की है, पैदा हुआ आर्मी हॉस्पिटल में, तो हम सभी ने फौज से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ मैं, और एज एन एक्टर हमेशा मुझे लगा था कि फौजी ज़रूर बनूँगा, लेकिन दिल में और दिमाग में यही था कि अगर फौजी बनना है तो जेपी सर की फिल्म होनी चाहिए, और इसका इंतज़ार बहुत था, और फाइनली देखिए जब आप दिल से कुछ चाहते हैं तो वो पूरा हो जाता है। और पल्टन रिलीज़ पे है 7 सितंबर को, अभी हम प्रमोशन पे निकल चुके हैं, फिल्म का ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं और क्या कहेंगे इंडियन जवानों सोल्जर्स के लिए। वेल देखिए बॉर्डर पे जो रहते हैं वो अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो वो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो हम जब मैं शूट कर रहा था लद्दाख में तब उनके साथ हमने शूट किया है, और वो इतना कैजुअली बोल रहे थे, एक सिपाही जो थे विनोद नाम के थे, वो मेरे साथ पल्टन में आधे ज़्यादातर सीन में वो मेरे साथ थे, तो हमारी बहुत बातें होती थी, तो उन्होंने बड़े कैजुअली बोला कि मुझे 3 गोली यहाँ पे लगी है कश्मीर में, तो मैं सोच के हैरान था कि वो जवान इतना प्यार से हंस के बोल रहा था, पूरी कहानी बता रहे थे कि मुझे 3 गोली लगी और मुझे पता भी नहीं चला, बाद में मालूम चला जब चेक किया अच्छा 3 गोली लगी है, और मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि वो जवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो 15 अगस्त सिर्फ एक दिन क्यों मनाते हैं ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, हिंदुस्तान में हर दिन होना चाहिए, और सभी एक्टर्स से और सभी सुपरस्टार से यही गुजारिश करूँगा, बहुत सुपरस्टार्स ऐसा करते भी हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, हर 2 साल में एक फ़ौज को लेके एक फिल्म होनी चाहिए जिसमें वो खुद हीरो होना चाहिए, ताकि जितने भी फौजी सरहद पे हैं बॉर्डर पे हैं वो मोटिवेट हो, क्योंकि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं हमारे बॉलीवुड के। Wish all the viewers a very, very, very happy Independence Day every day.